बताएं जैन साहब। बिल्कुल, टीपीएल प्लास्टेक लिमिटेड ये है स्टॉक मेरा आज का जेम्स साहब के जेम्स की सीरीज में। और थैंक यू वेरी मच अनिल जी, टेक्नो इलेक्ट्रिक मैंने भी दो तीन बार रेकमेंड किया हुआ है, पहले मैंने जेम्स में भी किया था, फिर मैंने एसपीएल मिड कैप में भी किया हुआ है, जबरदस्त कंपनी। और जो आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताया दैट वॉज वेरी इंप्रेसिव, एंड इनफैक्ट वो एक बहुत बड़ा रीजन और बहुत पुरानी कंपनी है। अब मैं टीपीएल प्लास्टिक पे आ जाता हूँ। टीपीएल प्लास्टिक, देखिए टीपीएल का मतलब है तेनवाला पॉली कंटेनर्स लिमिटेड। मैं इनफैक्ट ये बहुत पुरानी कंपनी है और इनफैक्ट इसमें मैंने इसके भी आईपीओ मैंने अप्लाई किया हुआ है और अब ये एक बड़े ग्रुप का पार्ट हो गया। उस टाइम पे इस कंपनी को टेक ओवर किया 2006 में टाइम टेक्नोप्लास्ट ने। टाइम टेक्नोप्लास्ट का भी एक तरीके से सब्सिडियरी है, उनकी 75% इसमें होल्डिंग है। टाइम टेक्नोप्लास्ट इंडिया का लार्जेस्ट प्लास्टिक ड्रम मैन्युफैक्चरर है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉम्पोजिट सिलेंडर मैन्युफैक्चरर। कॉम्पोजिट सिलेंडर एक तरीके का एक इनोवेशन था 2011 में जब यह कंपनी लाई थी। और थर्ड लार्जेस्ट है इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर मैन्युफैक्चरर। तो एशिया लेवल की एक बहुत बड़ी कंपनी है टाइम टेक्नोप्लास्ट। अब उसकी एक सब्सिडियरी है टीपीएल प्लास्टिक, और ये भी कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, पर्टिकुलरली 210 से 250 लीटर की कैपेसिटी वाले प्लास्टिक ड्रम्स। ये जो बड़े बड़े ड्रम्स देखते हैं ये कंपनियां, ये ग्रुप पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चर करती है और बहुत बढ़िया यूसेज है। मतलब 25 लीटर से लेकर 250 लीटर तक की कैपेसिटी के ये लोग बनाते हैं और बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है। केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मा, एफएमसीजी में यूज होता है। 250 से ज्यादा ऐसे बड़े कस्टमर्स हैं इन पर्टिकुलर प्रोफाइल के। तो ये तो हो गई बेसिकली बैकग्राउंड। अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं। तो फंडामेंटल्स में मैं देख रहा था एक तो 75% एक बहुत बढ़िया एक प्रमोटर की स्टेक होती है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा मैं देख रहा था कि पिछले क्वार्टर्स में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। डिविडेंड यील्ड कंपनी का वेल मेंटेन्ड है, 1.17 के लगभग डिविडेंड यील्ड है। डेट्स काफी कम है सर, 22 करोड़ के डेट्स है बुक्स में। और ओवरऑल अगर सेल्स को देखें तो लाजमी है कि ये लोग भी अफेक्टेड थे ड्यूरिंग दी कोरोना पीरियड, बट यस नाउ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। और इस बार जो मार्च 2021 के क्वार्टर में वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर था पिछले कई क्वार्टर्स का, और जो मार्च 2020 में ये लोग 2 करोड़ का पैट किए थे उसके सामने 3.25 करोड़ का पैट है। दिसंबर क्वार्टर भी 2.60 करोड़ का पैट था। सो ओवरऑल मुझे जो लगता है एक छोटी कंपनी है, 8 करोड़ की इक्विटी है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है और 250 से 250 करोड़ के बीच की कंपनी है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले ये लोग 15 से 20 से 22% हमेशा मेंटेन करते आए, अब जरूर से एक बार थोड़ा इसमें गिरा है। और वैसे ओवरऑल मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी सस्ता है और अंडरप्लेड है, लोग बाग जानते नहीं है ज्यादा, तो यहां से ये स्टॉक चलना चाहिए। और मैं एक और चीज कहता हूं, 2018 में जब मिड कैप और स्मॉल कैप में ड्रीम रैली जबरदस्त चली रही और अब वहां पे हम पहुंच गए हैं, तो मैं कई स्टॉक्स अब ऐसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि 2018 के लेवल्स अभी आएगी नहीं है। तो 610 उस टाइम पे ये स्टॉक ने हाई दिखाया हुआ है, उसके सामने आज भी ये अवेलेबल सस्ता है। तो मेरे हिसाब से 350 का पहला टारगेट, 390 का दूसरा टारगेट के लिए स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टीपीएल प्लास्टिक। जैन साहब टारगेट रिवाइज करना चाहेंगे क्योंकि 330-335 पर तो ऑलरेडी काउंटर आ गया है सर। ओके, इसलिए मैंने 350 का पहला टारगेट दिया था, वो ऑलमोस्ट अचीवेबल ही मान लीजिए, तो 390 का टारगेट दूसरा लगा के काम। ओके, तो 390 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं टीपीएल प्लास्टिक। ये है जैन साहब की जेम्स की आज की रिकमेंडेशन। आइए ऑप्शन की एक स्ट्रेटजी ले लेते हैं। स्वागत करते हैं आशीष केलकर साहब का छोटा ऑप्शन।